रश्मि किचन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी समोसा बनाना बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही आसान तरीके से बना रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं टेस्टी क्रिस्पी समोसा बनाना। ये देखिए, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी और टेस्टी समोसा बनकर तैयार हुआ है। कढ़ाई मैंने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई गर्म हो गई है। अब मैं इसमें मैंने थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पंचफोरन लिया हुआ है, जिसमें मैंने मेथी दाना, सौंफ, अजवाइन, सरसों दाना और जीरा लिया हुआ है। ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब मैं इसमें ये मूंगफली मैंने लिया है, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसको भून ले रही हूँ। ये देखिए, अब मूंगफली भून गया है। अब मैं इसमें, यहाँ पे मैंने दो हरी मिर्च को कट कर लिया, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब मैं इसमें, यहाँ पर मैंने उबला हुआ आलू लिया है, इसको मैंने रफली मैश कर लिया है, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली है, इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाला है। आप चाहे तो अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने पिंच हल्दी पाउडर इसमें मैंने डाल दिया और इसको आप स्वाद अनुसार मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। इसी समय में यहाँ पर मैंने हरा धनिया पत्ती और पुदीना को मैंने कट कर लिया है बारीक, ये इसमें मैं डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसको 1 मिनट तक अच्छे से भुना हुआ है। अब मैं गैस फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ और इसको ठंडा कर ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा लिया हुआ है और ये मैं 1/2 टीस्पून अजवाइन मैंने लिया है, इसको मैं हाथों से क्रश कर दे रही हूँ और इसके ऊपर डाल दे रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से अब मिक्स कर लिया है। इस तरह से बंद करने पर ये इस तरह से अगर हो जाए तो मोइन इसका सही है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो रेडी कर ले रही हूँ। इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त डो रेडी कर लिया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए
ढककर रख दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए 10 मिनट हो गया, अब मैं इसका कवर हटा दे रही हूँ और इसको एक बार फिर से मसल ले रही हूँ। अब मैं इसको इस तरह से इसका दो हाथों में लेकर दो भागों में मैं इसको कर दे रही हूँ। इस तरह से मैं दोनों को हाथों से इस तरह से गोल शेप में मैंने बना लिया है। अब मैं सरफेस पे इसको इस तरह से पतला बेल ले रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। अब मैं इसको इस तरह से प्लेट में रख दे रही हूँ और इसी तरह से दूसरा भी तैयार कर ले रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको भी बेल लिया है। अब मैं और ये मैंने जो स्टफिंग तैयार की थी समोसे की, इस तरह से मैंने इसको अरेंज कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा इस तरह से पानी लगा ले रही हूँ। इस तरह से मैंने और यहाँ साइड में भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गीला कर दिया है। और ये मैंने जो पहले मैंने तैयार किया था इसका सीट, ये मैं इसके ऊपर इस तरह से फैला दे रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको इस पर सेट कर दिया और अब मैं नाइफ की हेल्प से इसको कट कर दे रही हूँ। इस तरह से मैंने कट कर लिया है और ये इस तरह से इसको इस तरह से प्रेस कर दे रही हूँ जिससे कि ये कहीं से खुले नहीं फ्राई करते समय। ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं दूसरा भी तैयार करके आपको दिखा दे रही हूँ। और इसको भी इस तरह से मैंने रख दिया। इस तरह से मैंने समोसा तैयार कर लिया है। अब मैं इसको फ्राई करने के लिए, ये देखिए मैंने ऑयल को कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अब गर्म हो गया है, ऑयल को ज्यादा गर्म नहीं करना है। ये हल्का गर्म हो गया है तब मैं अब इसमें ये समोसा डाल दे रही हूँ। और इसको लो फ्लेम पे ही इसको खस्ता होने तक मैं इसको डीप फ्राई कर ले रही हूँ। ये एक तरह से अब मैं इस तरह से पलट दे रही हूँ। और क्रिस्पी होने तक मैं इसको फ्राई कर ले रही हूँ। ये देखिए अब ये क्रिस्पी
हो गया है। अब मैं इसे बाहर निकाल ले रही हूँ। ये देखिए क्रिस्पी टेस्टी समोसा बनकर तैयार हो गया है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और सभी में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।